रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इस व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में बोल दी ऐसी बात जिसे सुनकर सारे मुस्लिम हैरान हैं। केरल में नोबेल पुरस्कार विजेता तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कुरान शरीफ को एक पवित्र किताब कहा है जो मानवता को पूरी इंसानियत के मार्गदर्शन और कल्याण के लिए मानव जाति के लिए दिया गया एक अनमोल तोहफा है। दलाई लामा ने बौद्ध धर्म की एक मशहूर बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी मानवता के लिए सबसे अच्छी मिसाल है। दलाई लामा ने पैगंबर मोहम्मद के द्वारा की गई महान सेवाओं की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक अच्छी मिसाल है। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए हमें पैगंबर मोहम्मद के रास्ते चलना होगा। इतना ही नहीं, दलाई लामा ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद दुनिया के सबसे बड़े और महान व्यक्ति हैं जो हमेशा सच के रास्ते पर चला करते थे। दलाई लामा की कही गई बातों से मुस्लिम लोगों ने उनकी काफी प्रशंसा की और कहा कि दलाई लामा जी सही कह रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम धर्म हमेशा सच्चाई के मार्ग को दिखाता है और हम सभी इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, दलाई लामा के द्वारा कही गई इन बातों के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में बताएं।